डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक आवर चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो। तो आज का ये वीडियो जो है एसएससी जेई से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, जो अपडेट है एसएससी जेई के लिए वो मैं आप सभी तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो एसएससी जेई के लिए मतलब क्या बात है, तो 2019 में अगर आप फॉर्म भरे थे तो उसका जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है 2020 में अक्टूबर के महीने में, तो उसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अब आप किसी भी जोन से हो अपना आप एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन तरीक़ों से आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चेक करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये मैंने सेंट्रल रीजन का खोल कर रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, एडमिशन सर्टिफिकेट स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2019 टू बी हेल्ड फ्रॉम 27 अक्टूबर 2020 टू 30 अक्टूबर 2020। ठीक है, जो 27 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, यानी कि उसका आप अपनी एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। वार्निंग, डियर कैंडिडेट्स, प्लीज़ डू नॉट मल्टीपल डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। इन केस ऑफ मल्टीपल डाउनलोड ऑफ डुप्लीकेट एडमिट कार्ड, एसएससी में ब्लॉक यू फ्रॉम डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फर्दर। ठीक है, अगर एक से अधिक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो एडमिट कार्ड ब्लॉक कर दे, इसलिए एक से अधिक जो है मल्टीपल एडमिट कार्ड डाउनलोड ना करें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, फॉर ऑनलाइन अप्लीकेंट ओनली, जो जिन्होंने ऑनलाइन अप्लीकेशन डाला था, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। अब इसमें जोड़ कर लिख देना, ऐड कर, यानी कि 2+1+1 2 हो जाएगा। इसमें फिल कर देते हैं, उसके बाद आप इस पर क्लिक करते हैं तो भी आप अपना एडमिट कार्ड या अप्लीकेशन स्टेटस देख पा सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रोल नंबर जानते हैं, तो रोल नंबर के लिए आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा, इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, सॉरी इसमें रोल नंबर पुट करना पड़ेगा, और वेरीफाई करने के लिए 1+1 2 होता है, जो कि इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। फिर सर्च करते हैं तो भी आप अप्लीकेशन स्टेटस और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ना रोल नंबर और ना रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप अपने नाम और अपने पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी अपना एडमिट कार्ड और अप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए, वेरीफाई ह्यूमन क्या है, 1+1 2 पुट कर देना है और इसमें सर्च कर देना है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि 4 कैरेक्टर्स ही डालना है, फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर आपका नाम राहुल है तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर डालिएगा, RAHU। ठीक है, उसी तरह अगर फादर्स नेम अगर अरुण है, तो अरुण तो 4 लेटर ही होता है, ARUN, तो 4 लेटर ही डालना है। उसके बाद इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और इसमें आपको ऐड करके डाल देना है, फिर सर्च कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड आपने चेक नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये इसका लिंक मैं वहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ से आप आसानी से अपने किसी भी जोन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता दूं जिनका एग्ज़ाम 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में नहीं है, तो उनका जो है एडमिट कार्ड आगे अपलोड किया जाएगा। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर बिहार में जो भी हमारे एग्ज़ाम होने वाले थे एसएससी जेई के लेकर, वो अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इलेक्शन के बाद ही जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके लिए जो है आगे एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। तो बिहार में जो भी है कैंडिडेट, तो वो अभी घबराए नहीं, आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं दिया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अपने ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, और एक और बात, अभी चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का महासेल। अमेजन पे अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं, कुछ भी ख़रीदारी करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे चुका हूँ, उस लिंक से जाकर ख़रीदारी करते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाकर शॉपिंग करें। ठीक है, ग्रेट अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ठीक है, लगा हुआ है, स्पेशल डिस्काउंट है अगर हमारे लिंक से आप कुछ भी ख़रीदारी करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।